तो अभी ये अपना मटन कोशा, इसमें कितना पीस रहता है दादा? दो पीस रहता है थाली में, थाली में दो पीस रहता है। सो ये हमारे क्या है? भिटकी पातूरी, भिटकी फिश का पातूरी। ओहो, अंदर देखो। तो ये है अपना थाली, ये वेज थाली है ना? हाँ, ये वेज। तो ये है देखिए, व्हाइट कलर का ग्रेवी और ऊपर से क्रीम डाला गया और थोड़ा सा घी डाला गया। आज का ब्लॉग बहुत ही धांसू होने वाला है क्योंकि आज हम लोग दिखाने वाले हैं आपको बंगाली क्विजिन, बंगाली खाना। कहाँ पर? ये पीछे देख रहे हो, वो अपना खिचड़ी वाला ब्रांड कोलशी, वो लोग बंगाली फूड जो है वो चालू कर दिए। तो यहाँ का बंगाली क्विजिन भरपूर है, कुछ थाली वाली लेंगे और आपको डिटेल में दिखाएंगे। सो यहाँ का जो मैनेजर है उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। मैडम, अपना नाम था? আমার নাম মেঘা ঘোষ। বেঙ্গলি কুইজিন কতদিন হয়েছে আপনারা স্টার্ট করেছেন? এটা পূজো থেকে স্টার্ট করেছি আমরা, মানে এই পূজো থেকে, এই পূজোতে আমরা বেঙ্গলি কুইজিনকে ইন্ট্রোডিউস করেছি। কি কি আছে আইটেম বেঙ্গলি কুইজিনের মধ্যে? এখানে বেঙ্গলি কুইজিনে আপনার বাঙালির যেটা হয় মেইন ভাত ডাল শুক্তো থেকে আরম্ভ করে চিকেন কষা, মটন কষা, ভেটকি মাছের পাতুরি সমস্ত কিছু আছে। ভেজ থালি আছে, মানে পনিরের থালি আছে, এছাড়া ফিশ থালি আছে, মটন থালি আছে, চিকেন থালি আছে, प्रॉन थाली है। क्या हम लोग अंदर जा सकते हैं, थोड़ा किचन दिखा सकते हैं? नॉट एन इशू, आ जाइए। तो ये है जो अभी हम लोग पहनेंगे। मैडम जी ने पहन लिए। बहुत ही गंदा दिख रहा है। तो आपका नाम एक बार बताओ? मेरा नाम तापस मंडल। आज यहाँ पर क्या हो रहा है? ये वेज चल रहा है सच्चे? हाँ। वाह। सो देखिए, हमारे पास अभी जो वेज चॉप था पकोड़े, वो हमारे पास गार्निशिंग देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल। ओहो, अंदर देखो, हर भर के गाजर और बीट रूट जो होते हैं ना, बीट डाला गया। थोड़ा सा इधर देखो, ग्रीन बीन्स जो है वो डाला गया। चलिए इसको ट्राई करते हैं। सर, बंगाली होने के नाते मैं ये 100% आपको श्योरिटी देता हूँ, ये जो चॉप है वेजिटेबल चॉप, एक्सीलेंट क्वालिटी के हैं। यहाँ पर जो सलाद है ना, सलाद में मीठा और तीखापन का बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और ये मस्टर्ड सॉस जो है भैया, उसको थोड़ा यहाँ पर देते हैं। अभी इसको थोड़ा ट्राई करेंगे। ये पूरा आपको पूरा ऐसा, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ का दाम सुन के ना पूरा दिमाग घूम जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये दाम है, ठीक है? आपके घर में पहुंच जाएगा खाना। ओहो, काशुंदी इज़ वेरी 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 टेस्टी, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ये काशुंदी है। ओके, ये हम लोगों का भेटकी फिश का पतोरी अभी चल रहा है। सो हमारे पास है अभी भेटकी माछ का पतोरी, जिसका दाम है सिर्फ 230 रुपये। और इन लोगों ने अभी बोला कि ये जो फिश है ना, ये 100 ग्राम का है। वाह, देखो भैया, बेसिकली पतोरी जो है वो एक स्टीम्ड कुक किया हुआ एक डेलिकेसी है, फूड है। इसको हम लोग ऐसा तो नहीं खाते, इसके साथ थोड़ा सा चावल रहता तो अच्छा होता। तो ये हम स्पेशली लिए हैं क्योंकि आपको दिखाने के लिए, इसके बाद जो आएगा वो थाली हम आपको दिखाएंगे। तो इसको ना अलग से हम दिखाते हैं। फिश इज सो फ्रेश, इसमें जो सरसों यूज़ किया गया गजब। और उसके साथ ये देखो, यहाँ पर आपको कच्चा मिर्चा भी डाला जाता है। ये एकदम प्योर बंगाली क्विजिन होता है और ये हर एक बंगाली घर में ये बनता ही बनता है, कोई ओकेशन हो, कोई सेलिब्रेशन हो, सर ये तो बंगाली घर में आपको मिल जाएगा। चलिए इसको फिर से एक बार ट्राई करते हैं। तो भाई साहब देखिए, यहाँ पर जो थाली है बंगाली थाली, ऐसे इसको पैकिंग किया जाता है। राइस तो अभी डाला हुआ है, लॉन्ग ग्रेन राइस है बासमती, ये सोना मूंग का दाल है ना? हाँ, मूंग दाल, बहुत बढ़िया। तो ये है चटनी, टोमेटो चटनी, टोमेटो विद काजू किशमिश, आलू झूर भाजा। ओके, झूर झूरे आलू भाजा। ये आपका पैकेज है ना? हाँ। ये जैसे एबीएस वगैरह में होता है बारबेक्यू नेशन, सेम टू सेम बहुत ही तगड़ा वाला पैकिंग इधर चलता है।
आला काट के लिए ये पैकिंग आ गया और थाली के लिए ये पैकिंग आ गया। तो ये है अपना थाली, ये वेज थाली है ना। हाँ, ये वेज। तो ये कितना प्राइस है इसका? 260 रुपए इंक्लूडेड ऑल। इंक्लूडेड ऑल, डिलीवरी चार्जेस भी हम लोगों का फ्री रहता है, तो अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है तो उसको 260 देने से डिलीवरी हो जाता है। मतलब 260 रुपए के अंदर आपको ये जो खाना है ये के घर में पहुंचा देगा। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा नारियल इसको क्रश करके डाला गया। बेंगोली क्विजिन का सबसे बड़ा जान जो है वो है ये गंधराज नींबू जो इधर इधर दिया गया। चलो पहले थोड़ा दाल से ट्राई करते हैं चावल। डिग्री दिल पे ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कोई भी बड़ा बंगाली क्विजिन रेस्टोरेंट में जाओ ऐसा खाना शायद ही आपको मिले। दाल जो है जितना मीठा देना चाहिए उतना मीठा है, जितना गाढ़ा होना चाहिए उतना गाढ़ा है, जितना तीखा होना चाहिए उतना तीखा है, और ऊपर में जो नारियल डाला गया ना भाई, अलग ही कुछ क्रिएट हो गया। थोड़ा गंधराज नींबू निचोड़ के फिर खाओ। भैया दिल हो गया खुश। ऑसम। हमने इनका खिचड़ी का वीडियो बना के रखे हैं, आप लोग देख सकते हो। खिचड़ी एकदम लेवल का है, मतलब खिचड़ी लेकर कोई ब्रांड ऐसा काम कर सकता है वो तो मेरा मतलब हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते, और उसके ऊपर बंगाली क्विजिन ऐसा बना रहा है। भाई साहब एक बार ना ऑर्डर करो और टेस्ट करो, खूब पता चल जाएगा। शायद पनीर बटर मसाला है, एकदम पनीर देखो भरपूर। पनीर का छोटा छोटा पीसेस भरपूर, काफ़ी अच्छे इसका क्वांटिटी है। आराम से ये आप एक एक्स्ट्रा चावल ले लीजिएगा अला कार्ट में, आराम से दो जन खा पाएंगे। बटर भर भर के डाले। मटन थाली का मटन 415 रुपये मटन थाली का प्राइस है। ये जो वेज थाली है पूरा का पूरा रहेगा, बस ये पनीर का आइटम नहीं रहेगा, उसके पनीर के जगह मटन चलाया। सबसे पहला बात, मटन का सुगंध बहुत बढ़िया आ रहा है। इस टाइप का आपका दो पीस मटन दिया जाएगा। ग्रेवी एकदम गाढ़ा, थोड़ा ऐसे ही चावल से ग्रेवी खाते हैं। जस्ट फारू लेवल का टेस्ट है। एक होता है मटन और एक होता है अच्छे क्वालिटी का मटन। ये जो मटन है अच्छे क्वालिटी का मटन है, मैरिनेशन बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सॉफ्ट है, पीस भी काफ़ी बड़ा है पीस है। तो चलिए अपना बंगाली स्टाइल में एक बार खाते हैं। नींबू का जूस देकर अच्छे से इसको खाते हैं। चलो वर्दी है, 415 रुपये देकर यदि आप लोगे एकदम वर्दी है। बस यहाँ का खाना जो हमने ट्राई किया, हर एक खाना मुझे बहुत टेस्टी लगा, बहुत अच्छा लगा। बस यही कहना है, मेरे जो बात है उसको आप यकीन मत कीजिए, आप डायरेक्टली ऑर्डर कीजिए, एक बार ऑर्डर करके खाना खाइए। अपना तो आदत है हर एक चीज़ में गंधराज नींबू डालने का, चटनी थोड़ा ट्राई करते हैं। लवली। तो देखिए सर, यहाँ हमारे पास है कलकत्ता का जो सबसे फेमस फिश है कतला, वो फिश और उनका सबसे फेमस जो आइटम है दही कतला हम लोग बोलते हैं बंगाली में, वही मतलब दही से कतला फिश को कुक किया जाता है। तो ये है देखिए वाइट कलर का ग्रेवी और ऊपर से क्रीम डाला गया और थोड़ा सा घी डाला गया। तो इसको ना पहले ग्रेवी ट्राई करते हैं। पहले हम आपको बोलते हैं कि थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है ये चीज़ और बहुत ही लाजवाब होता है खाने में। एक्सीलेंट भाई साहब, कुक जो है ना भैया लाजवाब, प्याज का जो ग्रेवी में उसको पकाए एकदम सटीक परिमाप में, गरम मसाला जो है उसको यूज़ किया गया। को ना थोड़ा देखे ऐसे काटते हैं,
₹220 इसका प्राइस है, दो पीस आपका रहेगा। तो ये बता कैसा लगा? ना सर, हमने आइटम ट्राई किया, ये कोई आप कलकत्ता का कोई भी बंगाली क्विजिन वाला रेस्टोरेंट पकड़ लो, सबको टिक्का देने वाला है, टक्कर का है ये चीज़, ठीक है। बहुत भाग गया और प्राइसिंग भी बहुत अच्छा है, ठीक है, एक्सीलेंट है। और कतला फिश जो है ना, काफ़ी बड़ा साइज़ का ये कतला फिश है। तो अल्टीमेटली यहाँ का जो भुना खिचड़ी है, मेरा सबसे फेवरेट जो खिचड़ी है वो हमको दिया गया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो देखो खिचड़ी में क्या क्या है। सबसे पहला बात, पूरा सरसों का तेल में इसको पकाते हैं और यहाँ पर टमाटर, ग्रीन बीन्स, काजू, किशमिश भरपूर, एकदम भरपूर, और काफ़ी क्वांटिटी जो होता है काफ़ी तगड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होता है। चलो इसको करते ट्राई। घी का फ्लेवर माइंड ब्लोइंग, ऐसा लग रहा है ना कि हमने पूजा का पंडाल में बैठ के हम खाना खा रहे हैं, दुर्गा पूजा की याद दिलवा दिए। मिक्स वेज ओहो, पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि पूजा का भोग। मम्मी पूरा वेज है पूरा, इसमें अपना प्याज वगैरह ज़्यादा है इसमें, मतलब ये कोई यदि पूजा वगैरह होगा तो वहाँ पर भी ये मतलब ऑर्डर करके सर्व। ऑनियन गार्लिक फ्री है पूरा खाना, पूरा खाना मतलब शुद्ध जो प्योर एकदम वेज होता है, शुद्ध वेज वही है। लाजवाब, एक्सीलेंट। अच्छे से करते हैं इसको मिक्स करके, चलो इसको खाते हैं। सर बंगाली फूड तो बहुत बेहतरीन है ही, लेकिन कुलची मतलब खिचड़ी, ये आपको ट्राई करना चाहिए। यदि कलकत्ता में हो एक बार ट्राई करो, आपका दिल खुश हो जाएगा, मेरा गारंटी है। भुना खिचड़ी थाली में देखिए क्या क्या है, भरपूर खिचड़ी रह गई, उसके साथ मिक्स वेज, आलू दम, झुरझुरे आलू भाजा, चटनी, पापड़, साथ में बैंगनी, और यहाँ पर आपका थोड़ा सा पायस आपको रहेगा। पूरा एयर टाइट पैकिंग में आएगा और ये आपका 299 में आपके घर तक डिलीवरी होगी। तो देखिए स्विगी जोमेटो तो है ही, लेकिन ये लोगों का जो खुद का डिलीवरी जो चेन है वो देखिए अभी डिलीवरी होने वाला है। तो ऐसा करके थाली और अलग अलग मेनू अभी डिलीवरी होगा। ये है हमारा पूरा का पूरा पायस, मतलब खीर। हाँ, इसमें देखिए काजू किशमिश सब कुछ डाला हुआ है। और इसका प्राइस कितना है थोड़ा गेस कीजिए, गेस करके आप अभी कमेंट करो, हम एक सेकंड होल्ड करते हैं। कर दिए कमेंट, ओनली 55 रुपीज़ में ये पायस आपको मिलने वाला है, ये डेजर्ट। अमेजिंग, खाओ क्या थोड़ा? नहीं। तो भैया जितना सारा डिश हमने दिखाए एक से एक टॉप लेवल का है, मेरे बात को आप विश्वास मत करो। नीचे में जो नंबर हमने डाले हैं उस नंबर पे फ़ोन करो, फ़ोन करके कोई भी एक चीज़ मंगवा के आप खाओ, फिर आपको पता चल जाएगा कलकत्ता में इतना बढ़िया टेक अवे फूड काउंटर। हमने तो सर अभी तक 2 साल से फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हमको देखने को नहीं मिला, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उमदा, बहुत ही बढ़िया। तो आज का ये टेक अवे काउंटर का वीडियो ख़त्म करते हैं। कोलशी जो बेसिकली खिचड़ी वाला ब्रांड है, खिचड़ी को प्रमोट करते हैं और उनका मेन प्रोडक्ट जो है खिचड़ी है, वो लोग बंगाली थाली कॉम्बो वगैरह स्टार्ट किए। हमने सारे के सारे फूड ट्राई करा और हमको बहुत अच्छा लगा। तो बस वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।